Good morning, students. How are you all? As you know, that we are doing your grammar book work, Grammar with a Smile, book 2. And we have already completed your chapter 1. And we are doing the chapter 2, that is one and many. Okay, so one and many, we have completed the page number 11 and as well as page number 12. Now, coming to the page number 13, uh, we have discussed that we use S or ES. टू मेक मैनी है ना हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में भी इसको रीड किया है एंड नाउ वी आर रीडिंग इट इन द सेकेंड क्लास टू कि अगर हमारे पास कोई भी सिंगुलर नाउन है अगर उस हमने प्लूरल में चेंज करा है तो उसके साथ एस और ई e एस लगेगा तो आपको कंडीशंस भी बता देती कि ई e एस किस किस केस में लगेगा नाउ ठीक है अब और केसेस क्या हो सकते हैं इन नाउन्स डैट एंड इन एफ और एफ ई अब जिस नाउन में एफ़ और एफ़ ई -E के साथ एंड होते हैं ठीक है उनको हम किस में चेंज करेंगे वी ई एस में ठीक है पहले हमने किस में किया था एस और ई e एस अब जो एफ़ और एफ ई -E वाले हैं उनको किससे चेंज करेंगे वी ई एस टू फॉर्म देयर प्लूरल ठीक है उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए एग्जाम्पल देखो वॉल्फ वॉल्फ एफ से फिनिश हो रहा है तो वी ई एस एफ को रिप्लेस कर देंगे एफ़ यहाँ से हटा देंगे और इसको वी ई एस राइट करेंगे वाइफ वाइफ में एफ ई है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट एफ एंड एफ ई एफ ई में क्या हो जाएगा एफ ई रिमूव हो जाएगा वाइव्स लीव लीव्स लाइफ लाइव तो एफ और एफ ई इसमें रिमूव हो जाएंगे बट हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि उसमें ऐड हो जाता है एस और री एस इसमें क्या होगा इसको रिमूव करके ऐड करना है ओके बेटा सो so, आपने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है बी केयरफुल दैट इसमें एफ एंड ई एफ एफ एंड एफ ई को रिमूव करके हमने वी ई एस एड करना है ओके देन सिमिलरली इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं इन सम वर्ड्स एंडिंग इन एफ ओनली एस इज एडेड टू फॉर्म दर प्लूरल अब कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एफ से एंड हो रहे हैं नोट एफ ई एफ एफ़ से एंड हो रहे हैं लेकिन उसके साथ हम सिर्फ एस ही लगा रहे हैं एग्जाम्पल देखो रूफ रूफ का क्या है रूफ्स शेफ शेफ्स ओके तो आपने ध्यान रखना है जो एक्सेप्शनल केसेस है उनका ध्यान रखना है एंड यहाँ पे कुछ और भी चीजें ऐड किएस नहीं कि सम नाउंस एंडिंग इन एफ टेक बोथ एस एंड वी एस कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि जो एंड होते हैं एफ़ से लेकिन उसके साथ अगर हम एस लगा लाइक like हुफ़ है हुफ हुफ के साथ अगर हम एस लगा दें हुफ तो वो भी राइट है अगर हुफ के साथ एफ़ को रिमूव करके वी एस वी ई एस लगा दे तो वो भी राइट है लाइक ड्वार्फ सिमिलरली ड्वार्फ भी क्या होगा डार्फ्स एंड वार्फ्स दोनों राइट है ठीक है तो जो एक्सेप्शनल केसेस है बेटा उनको हमने लर्न करना है आपके माइंड में होने चाहिए कि एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से हैं ठीक है तो ये तो उन्होंने बता दिया हमें एक्सेप्शनल केसेस और कुछ हमें मिलेंगे नीचे ठीक है सो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज सी से एंड राइट द प्लूरल्स ठीक है इन्हों हमें आ, आपको इन दिए हुए हैं सिंगुलर वर्ब्स ठीक है सिंगुलर दिए हुए हैं हमने उनको प्लूरल में चेंज करना है ठीक है सबको फर्स्ट देखो वन काफ काफ एफ रिमूव करके काव्स थी थीव्स बेंच बेंच तो क्या है च सी एच साउंड है ई एस एड हो जाएगा रेडिश रेडिश में भी एस एच साउंड है ई एस विल एड ग्लास ग्लासेस डबल एस है इसमें भी ई एस एड होएगा नाइफ एफ ई रिमूव करके वी ई एस हाफ हाव्स एफ रिमूव करके वी ई एस फोटो फोटोज एक्सेप्शनल केस है बेटा रूफ रूफ्स रूफ्स का हमने डिस्कस किया था अभी ठीक है एक्सेप्शनल केस है रूफ का क्या आएगा रूफ्स लीव लीव्स। डिश डिशेस। एस सच से फिनिश हो रहा है डिशेस ऐड हो जाएगा शेल्फ शेल्वस एफ रिमूव करके वीई एस पियानो पियानोज पियानोज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एक्सेप्शनल केस है ये देखो पियानोज फोटोज इसमें एड होगा एस नॉट ई एस वाइफ चीफ ओके इन नाउन्स विच एंड इन ए कंसोनेंट बिफोर द फाइनल वाई द वाई इज रिप्लेस्ड विद आई ई एस टू फॉर्म देयर प्लूरल अब इसमें बेटा वो क्या कहना चाह रहा है ध्यान से देखो ठीक है वो कह रहा है कि कुछ प्लूरल वर्ड्स हैं जो वाई से एंड होते हैं कुछ प्लूरल वर्ड वाई से एंड होते हैं उनको रिप्लेस करके हमने आई ई एस लिखना है ठीक है कुछ प्लूरल वर्ड्स को हमने वाई से रिप्लेस करके आई ई एस लिखना है जिनके आगे क्या आता है कॉन्सोनेंट यहाँ पे क्या आना चाहिए लास्ट में कॉन्सोनेंट ठीक है एग्जाम्पल देखो सिटी सिटी है वाई से पहले क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है ना तो ये क्या बन जाएगा वाई को रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया आई ई एस सिटीज ओके और एग्जाम्पल लो पैनी वाई से पहले क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट सो पैनीज और देखो बेटा अगर देखो अगर वाई से पहले वाउल आ जाए वाई से पहले वाउल आ जाए तो हम क्या करेंगे उसको अगर लिखा हो डे अब वाई से पहले वाउल आ गया ना तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे डेज सिर्फ एस एड कर लेंगे ध्यान रखना है वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस आएगा अगर वाई से पहले आपका वाउल है देन एस एड हो जाएगा इस चीज़ का बेटा आपने ध्यान रखना है ठीक है सो so, यही हमें नेक्स्ट बताया हुआ है कि अगर कॉन्सोनेंट है वाई से पहले तो आई ई एस हो जाएगा और अगर वाउल है देन एस एड हो जाएगा ओके अंडरस्टैंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज पे आ जाओ यहाँ पे भी आप डे दे एंड डेट मेंशन करोगे ओके दैट इज ट्यूसडे एंड फाइव मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके सो सी हियर टिक द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस नाउंस अब हमने प्लूरल फॉर्म ऑफ इनके नाउंस की टिक करनी है ये देखो पॉपी पॉपी है ये पॉपी फ्लावर है पॉपीज क्योंकि वाई से पहले क्या आया कॉन्सोनेंट ट्वाय ट्वाय का क्या बन जाता है बेटा ट्वाइस बिकॉज देखो ध्यान से देखो इसमें वाई से पहले क्या है यस yes, वाउल चेरी चेरीज़ चैरिज दिस वन करेक्ट क्योंकि वाउल से पहले क्या है uh, वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट पोनी पोनीज नो पोनीज ओके कि वाउल से पहले क्या है सॉरी uh, वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट डोंकी डोंकी इसमें वाउल आया है बेबी बेबीज monkey monkeys because vowel berry berries because consonant okay so complete the page number 13 and 14 of your book okay beta thank you